खबर श्री गंगानगर के घड़साना से है, जहां किसान आंदोलन सातवें दिन भी जारी है। आज आंदोलनरत किसानों से बातचीत होगी, संभागीय आयुक्त और आईजीएनपी चीफ बातचीत करेंगे। वहीं रविवार को जयपुर में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई थी। किसानों की पहली मांग के अनुसार आईजीएनपी चीफ विनोद मित्तल को हटाया गया था। अब नए चीफ अमरजीत मेहरड़ा के नेतृत्व में बातचीत होगी। श्री गंगानगर के नई मंडी गढ़साना में किसानों का संघर्ष और आंदोलन लगातार जारी है। वहीं महापड़ाव को 7 दिन हो चुके हैं और उपखंड मुख्यालय के 3 गेटों पर तालाबंदी की गई है। आज वार्ता के लिए चीफ इंजीनियर और आयुक्त जो है वो पहुंच रहे हैं। किस प्रकार की रणनीति और प्लानिंग रहेगी किसानों की, इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है किसान नेता शौपत मेहकवाल। आज वार्ता के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं, इस प्रकार का निर्णय किसानों का है? एक तो आईजीएनपी के सिंचाई पानी के संबंध में जो हमारा मांग पत्र था, उसमें हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर जिन्होंने रेगुलेशन में गड़बड़ी की उनको हटाने की बात की। रात ही कलेक्टर साहब ने दूरभाष पर हमें सूचित किया है कि चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ को हटा दिया गया है, जो किसानों की एक जीत है। दूसरी जो हमारे सिंचाई पानी के स्थायी समाधान की बात है, उसको लेकर 12 बजे प्रशासन ने वार्ता के लिए नोटा भेजा है और हम आशा करते हैं कि सरकार विचार करके और हमारी मांगों का समाधान करेगी। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आज संयुक्त मोर्चा बैठक करके ऐसे संघर्ष की रणनीति बढ़ाएगा। बिल्कुल, मुख्य तौर पर आक्रोश जो है वो बरकरार है। अगर आज वार्ता के अंदर कोई निर्णय नहीं होता है तो संयुक्त किसान मोर्चा बैठक कर आगे की रणनीति जो है वो बनाएगा। वहीं मुख्य तौर पर मांग जो है 4 में से 2 सिंचाई पानी और रेगुलेशन जो है वो तय किया जाए। मांग पूरी नहीं होती है तो किसानों का आंदोलन और महापड़ाव जारी रहेगा। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक A1 TV गढ़साना।